सीबीएसई बोर्ड सीआईएसई बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशंस। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में हम थोड़ा भी आगे बढ़े उससे पहले आप इस स्टेटमेंट को जरूर सुनिए जो कि कहा गया था संयम भरद्वाज सर द्वारा, जो कि सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर हैं और ये लागू होता है फॉर बोथ आईसीएसई सीआईएसई बोर्ड क्लास 10-12। तो आप लोग इस वीडियो को सुने, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये सोच कर निकाली है कि बच्चों को जो है समय पर डेट शीट पता चले और वो तैयारी कर पाए। टर्म वन का जो रिजल्ट है, हम अभी रिजल्ट बता देंगे बच्चों को खाली कि आपका स्कोरिंग ये है जिस भी सब्जेक्ट की बात में, जिसमें भी वो परीक्षा देंगे, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट निकालेंगे वो दोनों टर्म वन टर्म टू का निकालने के बाद ही करेंगे। तो गाइस, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के मन में कई सारे क्वेश्चन होंगे कि हम लोगों का सिर्फ स्कोर बताया जाएगा, आप लोगों का कोई भी कंपार्टमेंट या सप्ली आपके वहां पे रिजल्ट पे नहीं रहेगा। ये खुद डॉक्टर संयम भरद्वाज सर का स्टेटमेंट है और ये महज एक महीना पहले जब आप लोगों के गाइडलाइंस वगैरह जारी हो रहे थे, टर्म वन की प्रिपरेशन थी, तब उन्होंने ये बात कहा था। और पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट में ये पॉजिटिव सीबीएसई ने पॉइंट ये फिर से रखा कि अकॉर्डिंग टू एनईपी, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के साथ टर्म वन में कोई भी मिसलीड नहीं होगा और कुछ भी आप लोगों को टेंशन नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे पास और फेल नहीं है। साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं और आपको स्कोर कितना करना है। मैं माफी चाहता हूँ, आज थोड़ा लेट वीडियो आ रहा है, कुछ काम में था। और भी अपडेट्स मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। आप लोगों को पता है, अब डिसअपॉइंटमेंट छोड़ दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो हुआ सो हुआ, वो जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम जितना कर सकते थे किए। और एक चीज है जो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात नहीं कहना चाहिए था कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं केस किया, पहले ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया, जबकि उनको अच्छे से पता है कि 12 तारीख को केस हुआ था और तब एग्जाम्स भी नहीं शुरू हुए थे और सुप्रीम कोर्ट से ये कह दिया गया हमारे संविधान से कि आपके तो सिर्फ एग्जाम्स तो शुरू हो चुके हैं, अब हम इस मैटर पर कैसे बात करें। तो दूसरी ओर हाँ, सीबीएसई ने थोड़ा बच्चों को राहत दिया, इस स्टेटमेंट को उन लोगों ने दोबारा से एक बार हाईलाइट किया कि नहीं, टर्म वन में बच्चों को घबराना नहीं है, उतना प्रेशर लेने की भी जरूरत नहीं है, जबकि वहां पे पास फेल नहीं है। पास फेल नहीं है इसका मतलब आप पढ़ाई छोड़ देंगे, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। तो नोट्स क्लास 10 सोशल साइंस का रेडी है आप लोगों का, चैप्टर वाइज पॉइंट वाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर यूज करिए। और आपको भी कौन सा नोट्स चाहिए जरूर बताइएगा, हम दूसरों की तरह नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको किताब के लिए भी पैसे मांगेंगे, जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो आपसे सुपर चैट मांगेंगे, हम यूट्यूब के भगवान नहीं है कि आपको मॉडरेशन लगवा देंगे, है ना, हम लोग आपके लिए कोशिश किए। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूट्यूब में जो कोऑर्डिनेशन करते नहीं है और ना ही आपको करने देंगे, ठीक है, खुद को भगवान मानते हैं और सभी, मतलब वो अगर कहेंगे कि एग्जाम हमने कैंसिल करवाया तो कैंसिल भी हो जाते हैं, और वो अगर कहते हैं कि हम सब कुछ कर देंगे आपके लिए तो वो कर ही देते हैं। और महज जब उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में केस हो चुका है तो वो चुप थे, गायब थे और वो इंतजार में बैठे हैं, कह रहे थे कि देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या आता है फैसला, उसके बाद बात करेंगे। और जब आया तो बस शुरू हो चुके हैं उन लोगों के ऊपर ब्लेम करना जिन लोगों ने आपके लिए कोशिश किया। खैर, हटाइए इन सब बातों को, जिनको हम रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, उनको इंस्पिरेशन मानते हैं, फिर भी अगर वो ये सब कर रहे हैं तो और क्या किया जा सकता है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने हमेशा से आप लोगों को कहा कि अप्स एंड डाउन्स हर जगह है, ठीक है, तो इस बात को आप दूर कर देते हैं। तो पासिंग मार्क्स क्या है, जैसा आप लोगों को पता है कि 40 मार्क्स का पेपर हो रहा है और 40 मार्क्स के पेपर में ओनली 13 मार्क्स 1-3 आप लोगों को स्कोर करने होते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है आप लोगों के लिए, 1-3 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। इस छोटी सी सेकंड्स की वीडियो और भी डिटेल्स मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। क्या आपको इंग्लिश बोलने में लगता है डर, तो इस डर को आप कम्प्लीटली दूर कर सकते हैं डाउट नट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से, जहां पर इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा के मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी बेसिक से। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट रखते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फाटेदार आपको इंग्लिश बोलनी है, तो आज ही डाउट नट ऐप डाउनलोड करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस चीज को समझना है, ठीक है, हम लोगों को, कि टर्म वन ठीक है हमारे लिए उतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं है, बट स्टिल हम इस चीज को सीरियस लेकर ही चलेंगे। क्यों यहां पे कहना है, राहत भरा खबर यह है कि संयम भरद्वाज सर का कहना है, ये लागू होता है आईसीएसई के लिए भी, संयम सर का कहना है कि आप लोगों का जो टर्म एनईपी के अकॉर्डिंग एनईपी आप लोगों का जो टर्म वन एग्जाम होगा, इसके सिर्फ स्कोर रहेंगे आपके, ना तो क्लास टीचर आपको बताएंगे कि आप पास हो कि फेल हो, ठीक है, और ना आप लोगों को इसके ऊपर कोई रिजल्ट भी दिया जाएगा, टर्म वन का कोई भी रिजल्ट नहीं रहेगा, सिर्फ आपके पास स्कोर रहेगा, ये चीज आप जान लो। आप हर एक सब्जेक्ट का, मतलब आपके पास स्कोर जान जाओगे, टीचर आपको बता देंगे कि बेटा आपको इतने नंबर मिले हैं, साइंस में इतने मिले हैं, अकाउंट्स में इतने मिले हैं, इकोनॉमिक्स में इतने मिले हैं, पर कहीं भी आप लोगों का रिजल्ट अगर प्रिपेयर भी करेंगे तो नीचे में जो लिखा रहता है कि स्टूडेंट पास है या फेल है, वो चीज मेंशन नहीं किया रहेगा। ये फाइनलाइज किया जाएगा तब जब आप लोगों के फाइनल टर्म टू एग्जाम्स हो जाएंगे, तब वहां पर जब सारी चीजें आएंगे, वहां पर जब सारी चीजों को रखा जाएगा, तब वहां पर देखा जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मतलब बेसिक चीज देखा जाए तो टर्म टू फाइनल, फुल एंड फाइनल है। तो प्लीज
इस चीज को आप समझिए और रिलैक्स रहिए और रिलैक्स होकर पढ़ाई करिए, मन से दिमाग से सब कुछ निकाल दीजिए, जो हो गया सो हो गया, सबने जो ट्राई किया कोशिश किया उस बात को याद रखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हर एक अपडेट आप सबको प्रोवाइड करता रहूंगा। एंड प्लीज 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 बी स्ट्रांग, जो भी आपका सब्जेक्ट है नोट्स के लिए प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं जितनी हो सके जल्दी कोशिश करूंगा आप सबको प्रोवाइड करने के लिए। मिलते हैं अगली अपडेट में, थैंक यू सो मच।